Hey everyone, hope you all are well and safe. It's Mishu here and welcome back to my channel. तो अगर टाइटल और थंबनेल देख के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज की वीडियो के अंदर मैंने बताया है कैसे आप एक पेपर से फेक नेल बना सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और मैंने इसके अंदर किसी भी तरह के नेल ग्लू का यूज़ नहीं किया है। तो मैंने ये भी बताया है कि आप नेल ग्लू को भी कैसे बना सकते हो। तो दोनों ही DIY प्रोसेस हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही साथ सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये ड्राइंग बुक का पेपर लिया हुआ है और अब मैंने इसे एक फोल्ड किया और अब मैं वापस से इसको एक और फोल्ड करूँगी। तो हमने डबल फोल्ड किया है और इससे हमें 4 लेयर मिलेगी पेपर की। फोल्ड कर लेने के बाद अब मैं इसे अपने नेल पे इस तरीके से रखूँगी और जो भी मेरे नेल का साइज है उसे एक पेंसिल की हेल्प से मार्क कर लूँगी। यहाँ पे मैं लाइन थोड़ी सी और बड़ी कर रही हूँ ताकि नेल जो है उसका साइज छोटा ना पड़े और इसी पेंसिल के हेल्प से आपको जितनी लेंथ चाहिए हो उतनी लेंथ आप दे दें। नीचे की तरफ पे भी हमारे नेल का जैसा शेप होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इससे पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे एक सीजर की हेल्प से इन सबको एक साथ कट कर लूँगी। अगर आप एक साथ कट नहीं करना चाहते हैं, वन बाय वन कट करना चाहते हैं तो आप कट कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और इससे ये काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। आप छोटी सीजर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेल को कट कर लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो नेल का साइज चेक करना कि वो आपके नेल के बराबर है या नहीं। अब मैं मेरे एक नेल आर्ट ब्रश के पिछले पार्ट की हेल्प से इसको थोड़ा कर्व दे दूंगी। तो अब आ रही है नेल ग्लू बनाने की। तो आप छोटा सा कोई भी कंटेनर ले लो और उसके अंदर फेविकॉल को ले लो। अब मैंने जितनी क्वांटिटी अपने ग्लू की रखी है उतनी मैं ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश की भी रखूंगी। इक्वल क्वांटिटी चाहिए थी इसीलिए वो वाली ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश खत्म हो गई थी तो मैंने ये वाली यूज़ की। अब मैं लूँगी एक फ्लैट ब्रश और इन दोनों को मिक्स करना स्टार्ट करूँगी। जितना जल्दी हो सके इस मिक्सचर को आप अच्छे तरीके से मिक्स करें, क्योंकि अगर आप टाइम लगाएंगे और आराम आराम से करेंगे तो ये मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा और आज के बाद आपकी ये नेल ग्लू वाली जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले स्टेप में ये जो ग्लू बनाया है मैंने इसको अच्छे तरीके से अपने नेल पर लगाऊंगी मैं। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो पेपर वाला फेक नेल है इसको मैं डायरेक्टली अपने नेल के ऊपर स्टिक कर लूँगी। अच्छे तरीके से स्टिक करना, सारे एजेस अच्छे से कवर होने चाहिए। तो फर्स्ट जो हमने नेल बनाया था इस ये अच्छे तरीके से फर्स्ट लेयर सूख गई है। अब मैं वापस क्या करूँगी, ये जो नेल ग्लू है इसको लगाऊंगी। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा फेक नेल है इसको अपने नेल के ऊपर रख के इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी, सील कर दूंगी और मैं अब वेट करूँगी जब तक ये अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद यहाँ पे मैं वापस से ये जो नेल ग्लू बनाया है हमने इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ। जब भी आप ये नेल ग्लू बनाएं तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना के रखें, ऐसा ना हो जब आप अपना नेल अप्लाई करने जा रहे हैं तब वो कम पड़ जाए। अब ये ग्लू के ऊपर मैं डायरेक्टली यहाँ पे पॉन्ड्स का ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। पहली दो लेयर जो हमने लगाई है उसमें सिर्फ हमने नेल ग्लू और पेपर का यूज़ किया है, आपको ये थर्ड लेयर पर यूज़ करना। अगर पाउडर आपके नेल पे अच्छे तरीके से ना लगे तो आप इस तरीके से एक ब्रश की हेल्प से सारे एजेस पे और जहाँ जहाँ पे पाउडर रह गया है वहाँ पे लगा सकते हो उसे। साथ ही साथ आपको अपने नेल को शेप भी देते जाना है, ऐसा नहीं है कि सारे एजेस बाहर की तरफ निकले हो। ड्राई होने के बाद पाउडर को अच्छे से डस्ट कर लिया है मैंने और उसके बाद अब मैं यहाँ पर वापस से हमारे ये जो नेल ग्लू हमने बनाया है इसको मैं अप्लाई करूँगी। और अब मैं वापस से ये पाउडर को अपने नेल के ऊपर इस तरीके से लगा लूँगी। ड्राई होने के बाद इस तरीके से मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इस तरीके से आप अपने पाउडर को डस्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं नेल ग्लू को लगा लूँगी और अब जो ये थर्ड वाला फेक नेल है मैं इसे भी इस तरीके से लगा लूँगी। आप जब भी ये फेक नेल को बनाएं अपने नीचे एक बेस में एक वेस्ट क्लॉथ ले लें क्योंकि मैस बहुत ज़्यादा होता है। और फिर अब जो लास्ट लेयर है हमारी उसको भी मैं लगाऊँगी, तो उसके लिए मैंने लगाया नेल ग्लू और उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी पाउडर। अगर आप चाहें डायरेक्ट ब्रश से इस तरीके से अप्लाई करना तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर एक लेयर लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से सेट होने देना है जब तक वो ड्राई ना हो। और ये जो लास्ट वाला नेल था इसको भी मैंने सेम वही प्रोसेस से अप्लाई कर लिया था। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ थंब का बना के दिखाया है, बाकी के नेल्स भी अगर आप बनाना चाहो तो यही प्रोसेस लगेगा और अगर मैं सब बताती यहाँ पे तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता।
जो लास्ट वाला नेल था उसको भी मैंने सेम प्रोसेस से लगा लिया था, और लास्ट में नेल को स्मूथ करने के लिए ये नेल ग्लू को लगा लेना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो मैंने फेक नेल बनाए हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, और इसके लिए मैंने कम से कम 5 to 6 hours वेट किया था, उसके बाद ये रिजल्ट आया है। मैं आपको वेट करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये DIY ग्लू को अच्छे तरीके से ड्राई होने में टाइम लगता है। और ये रहा हमारा फेक नेल जो रेडी हो चुका है, आप चाहें तो इसके ऊपर नेल पॉलिश भी अप्लाई कर सकते हैं।